हाय एवरीवन, सो फ्रेम के आपके सामने है अभी बलेनो डेल्टा वेरिएंट है, 2021 वेरिएंट है और ओनरशिप एक्सपीरियंस है। तो गाड़ी के जो ओनर हैं, जो भी उन्होंने फेस किया है पिछले 6 महीनों में, क्या बलेनो लेने के रीजंस थे, तो वो अभी डिस्कस करेंगे गाड़ी के ओनर के साथ। तो आई विल आस्क हिम टू कम इन टू द फ्रेम। आइए। अच्छा, ये है गाड़ी के ओनर, आप अपना नाम बताइए। विवेक। विवेक, देखिए बलेनो लेने के काफी सारे रीजंस आपके मन में रहे होंगे ना। दोस्तों ने कभी ताने मारे हैं बलेनो क्यों ले ली? किस बात को लेके मारे? बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो एक बात तो पक्की, अगर आपने बलेनो ली है तो आपके आपको ऐसा है कि आपको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बलेनो लेने से पहले ताने मारे थे कि बाद में भी मारते हैं? नहीं, अब पहले नहीं मारे थे, अब मारते। अच्छा, एक होता ना भाई, ये क्यों, हम दोस्तों से भी डिस्कस करते हैं भाई कौन सी गाड़ी लें, ये लें वो लें, तो पहले ज्यादा ताने नहीं मारे, ले लिए तब वो बंद है। क्या कहते हैं वही बिल्ड क्वालिटी को लेके बोलते हैं कि टीम का डिब्बा है कुछ इस तरह की। बहुत बोलते हैं यार ये भी बहुत। तो आपने क्या सोच के बलेनो, जैसे होता है ना काफी सारे फैक्टर्स होते हैं मन में कि ये सोच के हमें बलेनो ली, क्या फैक्टर्स है आपके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ? मेरा भाई पता क्या, 7-8 लाख का ही बजट था, कैश का ही बजट था। ठीक है। तो पहले मैंने i20 भी ली थी, पर उसका थोड़ा पिकअप हल्का सा कम सा था बलेनो के उसके ब्याह पे ना। ली थी या ड्राइव करके देखी थी? वो जाके चला के देखी थी। अच्छा, टेस्ट ड्राइव ली थी। अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर मैंने एक मेरा भाई था, वो क्लासमेट रह चुका है मेरा, तो वो नेक्सा में है, गुड़गांव में ही। ओके। राणा मोटर्स में। तो फिर मैंने वो चेक करवाई वहाँ पे, इसने चला के देखी तो मुझे इसका पिकअप भी ठीक लगा और बाकी मेरे बजट में भी थी ये। अच्छा, तो मैंने फिर ये, तो आपने फिर बलेनो ले ली। तो दो ही ऑप्शन थे, या तो i20 या बलेनो। i20 आपको चलाने में पावर कम ही लगी? हाँ, थोड़ा पिकअप का हल्का सा था, बाकी इसके कंपैरिजन इसका ज्यादा था, उसका थोड़ा कम था। चलो, वो भी थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस में शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। बाकी माइलेज वगैरह आप देखते हो गाड़ी कितनी दे रही है? ये अभी फिलहाल तो उसके मीटर भी दिखा रहा है, वो 20 का कुछ है, 20.2 समथिंग का, 20.2 दिखा रहा है, दिखाता है। कुछ डिफरेंस फील होता है कि इतना दे रही है मीटर में? तो चलो आ गया, इतना आ गया, रियल में दे रही है इतना लगता है? हाँ है भाई, पता है मैं ऐसे एक बार इससे शायद एक बार जम्मू आया हूँ, एक बार इससे लखनऊ होके आया हूँ और एक बार जयपुर, तो इतना है इसका। काफी सारी चला दी, कितनी? हाँ, चला दी ये, चल गई भाई शायद 5,000 कुछ समथिंग चल गई। 5,000, तो मतलब दो सर्विस हो गए, दूसरी आने वाली है? पहली शायद दो हो गई, तीसरी अब आएगी। 5,000 पे तीसरी हो, दूसरी हो जाती है? लेने के बाद थोड़ा बहुत पछतावा, चलो दोस्तों ने तो ताने मार दिया, अभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये नहीं, कुछ और देख लेना चाहिए था। हाँ, ये तो मैं शायद टाटा एल्ट्रोस की अब जाके लगता है कि टाटा एल्ट्रोस इससे बेस्ट थी। किस मामले में थी? उसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक थी और बाकी इतने बजट में उसका पेट्रोल का ठीक ठाक वेरियंट भी आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो बढ़िया है वो। और किस मामले में अल्ट्रोस बेटर है बलेनो से, आपने वो चला के देखी या सिर्फ लुक्स के बेसिस पे आपको लगता है? मैंने वो हमारे घर के सामने ही है टाटा का शोरूम ना। ओके। मैंने कई बार चला के देखी है। हाँ। तो एक तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, थोड़ा पिकअप भी ठीक ठाक है और प्लस में क्रूज कंट्रोल की इसमें ऐसा कुछ है भी है नहीं। अच्छा, उसमें है? हाँ, उसमें है, उसमें है। बाकी चलाने में किसमें ज्यादा मजा आता है? चलाने में तो ऐसा है, पिकअप के मामले में भगाने का दी तो ठीक है। हाँ। और बाकी सेफ्टी वाइज और अगर स्मूथ ड्राइव है तो फिर टाटा एल्ट्रोस बढ़िया है भाई। भागते भी पिकअप भी इसीलिए है ना, क्योंकि उसके कंपैरिजन में थोड़ी हल्की भी। हाँ, है ना, बिल्ड हल्की है थोड़ी, वेट की वजह से हो रही है। हाँ, बाकी सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बलेनो के बारे में कि आपने ये ली है तो यार इस चीज को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि ये चीज बाकी गाड़ियों में नहीं है। सबसे फेवरेट चीज, फेवरेट जो आपकी एक्सटीरियर में है वो क्या चीज हो सकती है भाई? बाहर से लुक हो सकती है, लाइट हो सकती है या गाड़ी? डैशबोर्ड बढ़िया लगता है। डैशबोर्ड बढ़िया लगता है? क्या बढ़िया लगता है, चलो दिखाओ। जैसे इतने वाले बजट में ना इसका ये मीटर है जो वो और कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती है। ठीक है, तो आपको मीटर की क्या लाइट्स पसंद है? हाँ, डिजाइन पसंद? हाँ, है डिजाइन और लाइट सब। बाकी बटन क्रूज के यहाँ पे नहीं है ना? हाँ, क्रूज के बटन। सीट कवर्स आपने क्या कंपनी से, कंपनी के हैं कैसे हैं ये? नहीं, ये भाई बाहर मार्केट के हैं, ये मैंने रोहिणी में चढ़वाए थे। कितने के? ये भाई वैसे 3500 रुपए के हैं ये, मतलब थे कोई फ्रेंड है मेरा, मतलब अच्छा। बुआ जी का लड़का ही है ये, उसके वहाँ बनते हैं, वो रेंट पे ले रखा है। यार दिखने में तो ठीक लग रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वालिटी, टच करवा। आर्मरेस्ट इसी का है कि किसका है? नहीं, इसी का ही है, मतलब नहीं वो जेटा मॉडल पे आते हैं। अच्छा। आप लगवा लीजिए, 2600 रुपए का लगा है। वैसे जेन्युइन है? हाँ, जेन्युइन है बिल्कुल कंपनी से। इंटीरियर में और क्या लगवाया आपने? इंटीरियर में ये हो गया, सीट कवर है। ओके। एक अपना ये है और ये मैंने फ्लोरिंग करवा रखी है। और मैट तो मेरे ख्याल कंपनी के हैं? ये नहीं, नहीं, ये भी आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी के। हाँ, कंपनी के नीचे है। हाँ, ये आफ्टर मार्केट है। और ये बाहर मैंने फोग लैंप लगवाई थे कंपनी से, 4600 रुपए। अच्छा, 4600 के आपने कंपनी से फोग लैंप लगवाए? फोग लैंप
तो बाहर से सिर्फ जो आफ्टर मार्केट चीज है वो सिर्फ आपने सीट कवर लगवाया है, बाकी सारी शोरूम से लगवाई है। शोरूम से लगवाने का कोई आपका रीजन कि मैंने शोरूम से लगवाया, ये सोच के लगवाया? वो जिस भाई से ली थी मैंने उससे पहली बात हो गई थी, वो मुझे ये और वो कम रेट में थोड़ा डिस्काउंट करवा के ये मुझे दोनों चीज लगवा के देगा। वो दूसरी चीज क्या थी? आर्मरेस्ट और ये फोल्डर। ठीक है, और बाकी लाइट्स कैसी लगती है अर्बलिनो की? लाइट्स मैंने सुना बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है, लाइट बहुत पावरफुल। क्या लगता है ब्रेजा के कंपैरिजन में कैसी है? मैंने ब्रेजा की तो देखी नहीं, बाकी i20 क्योंकि इतने बजट में i20 में ये वाले है नहीं लाइट, है तो सिंपल हैलोजन है उसमें। नहीं, बलिनो की वैसे भी जबरदस्त लाइट है, वो मैंने देखा है। मारुति की मतलब सबसे अच्छी गाड़ी में से लाइट्स के मामले में अगर मैं बात करूं। स्पेस कैसा है भाई? स्पेस पीछे वाले में बहुत बढ़िया है। आप चलाते ज्यादा हो कि बैठते पीछे ज्यादा हो? मैं तो चलाते, मैं तो आज तक अभी फिलहाल तक तो एक बार पीछे बैठा नहीं हूँ। अच्छा, पीछे की लुक्स कैसी है गाड़ी? डिक्की खोलना कभी दिक्कत हुई है कि सामान रखने? मैंने ऐसा सुना है थोड़ी हाइट ये ज्यादा है इसकी, ये सामान रखने की एंट्री हाइट है, सामान वामान रखने में थोड़ा दिक्कत, कई बार भारी सामान रखने में प्लस उठाने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन भाई लोग ये भी कहते हैं कि इसका ये फायदा है कि हैवी सामान रख दिया और ब्रेक ब्रेक मार रहे हो तो वो निकल के आता नहीं है, डिसबैलेंस नहीं होते हैं, वो उसके अंदर ही रहते हैं बॉडी के अंदर ही। लेकिन नुकसान थोड़ा सा लगता है आपको कि उठा के निकालना पड़ता है? भारी होगा ना तो उठाने में और रखने में दिक्कत आती है इसमें। बाकी भाई बलिनो लेके क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? चलो वो तो बता दिया दोस्तों ने, सुना है कोई कभी तारीफ भी करी है बलिनो की किसी मामले में? बस वही करिए, इसके एवरेज को लेके जो उसका एवरेज दिखा रहे हैं उसमें, हाँ वो एवरेज बढ़िया देती है और प्लस हल्की गाड़ी है, कहीं भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है, सस्पेंशन ठीक ठाक है इसके, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं सस्पेंशन में, इतना कोई दिक्कत नहीं, झटके बढ़िया आराम से झेल लेती थोड़ी। और भाई गियर वगैरह कैसे है, इसका स्टीयरिंग कैसा है? स्टीयरिंग थोड़ा गियर थोड़ा टाइट है, बाकी स्टीयरिंग तो फ्री रहते हैं, बढ़िया है स्टीयरिंग, बढ़िया स्टीयरिंग, बढ़िया i20 के मुकाबले बहुत बढ़िया है। अच्छा, i20 के मामले में स्टीयरिंग बढ़िया? मैंने सुना Hyundai की गाड़ी में स्टीयरिंग काफी हल्के होते हैं, आप एक बार देखना सोचा लगा कि मुझे। चलो, कैप वैसे किसकी है ये? कैप ये फादर की है मेरे। अच्छा, अरे बढ़िया, फिर तो चलान की तो कोई दिक्कत ही नहीं होती होगी। ये दूसरी गाड़ी है और 7-8 साल से मैं चला रहा हूँ, अब तक अच्छा चलान नहीं किसी चीज में। बाकी भाई इंजन से किसी तरीके की कोई साउंड आती है? ना ना कुछ नहीं। रोड नॉइज, कैबिन नॉइज? ना, बहुत 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 साइलेंस है इसकी, बहुत साइलेंस है। अच्छा भाई, सर्विस से कैसा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर्विस आपने करवाई है दो? हाँ, तो दो, क्या एक्सपीरियंस है मारुति का? मैंने सुना है कभी भीड़ भाड़ होती है, गाड़ियाँ काफी ज्यादा होती हैं तो ढंग से नहीं डील करते कस्टमर्स को, क्या आपका क्या रहा? इसका नेक्स्ट का ना खुद का पर्सनल कर रखा है आपका, हाँ, अलीपुर सोना, हाँ, बलिनो का अलग से है, वहाँ की बहुत बढ़िया सर्विस करके देते हैं और वहाँ का वे ऑफ टॉकिंग और बिहेवियर उनको बहुत बढ़िया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा है, बिल्कुल बिल्कुल। कैब की वजह से तो नहीं है? अच्छा, सर्विस के टाइम पे कह देते सर आप ले जाओ। नेगेटिव कुछ और है अपार्ट फ्रॉम बिल्ड क्वालिटी कि आप इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, यार ये चीज मेरी गाड़ी में मिसिंग है? एक तो सर क्रूज कंट्रोल की अगर वो होता तो सबसे बेस्ट थी। दरवाजे भी काफी हल्के हैं ना? बिल्कुल हल्के, एंट्री भी काफी इसकी चौड़ी है मेरी गाड़ी से तो ज्यादा ही लग रही है, पता नहीं क्यों। बाकी आ जाओ, आपको और क्या नहीं पसंद? एक तो आपने क्रूज कंट्रोल बता दिया, हाँ बिल्कुल, और बाकी उसके अलावा एक तो भाई से क्लीच में दिक्कत है, पता नहीं क्या है, कई बार ना हाँ। मैं लेता हूँ और अभी वैसे ज्यादा चली भी नहीं है, अटकती है कहीं बीच बीच में। चलो वो तो देख के बता देंगे, हाँ, बाकी तो सब सही है। NVH भैया आवाज वगैरह आपने बका के नहीं आती है ना अंदर? ना ना, अंदर बिल्कुल नहीं है नॉइज, जो कैबिन जो बाहर का नॉइज आता है ना कैबिन में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चलती है। तो चला के देखें इसे थोड़ी सी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक छोटा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता हूँ। इसमें डेल्टा वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट, तो इसमें हार्ड की आती है। इंजन नॉइज आइडलिंग पे तो है नहीं, साइलेंट है, गियर्स तो स्मूथ है यार, है ना? चलो ट्रैवल देख रहा था मैं, देखो अगर हैचबैक है तो विजिबिलिटी तो यहाँ पे नहीं होती है, मतलब बोनेट जो होता है ना नहीं दिखेगा पूरा। बाकी स्टीयरिंग में बता दूँ, आपने ये रैप अलग से करवाया ना? हाँ, ये पिकअप ठीक है, थोड़ी सी है आवाज आती है, मतलब वो डिस्टर्ब जो डिस्टर्ब करने वाली होती है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती। विजिबिलिटी ठीक है और इधर ऐसा नहीं लग रहा कि घुटन, इससे मैं कह रहा हूँ अगर ज्यादा नहीं होगा, अगर मैं ये कह दूँ कि वेन्यू वगैरह से भी ज्यादा स्पेसियस लगती है बलिनो अंदर से, मैं वेन्यू में बैठा हूँ सोनेट में बैठा हूँ, उनसे ज्यादा स्पेसियस मुझे बलिनो लगती है। और ये टच स्क्रीन है? नहीं टच स्क्रीन नहीं, टूट छोटा सा ही है,
राइट ले, नहीं राइट नहीं, लेफ्ट लेते हैं। सही है, स्टीयरिंग भी सही है। ब्रेक कैसे लगते हैं आपको इसके? ब्रेक ठीक है, थोड़ा हल्के कमजोर है, बाकी ठीक है। मतलब उतना वो झटके से नहीं दबती ना, है ना? हाँ, वैसे नहीं। मुझे भी ऐसा लग रहा है ट्रैवल थोड़ी ज्यादा जा रही है ना, तब मान रही है ब्रेक। वैसे भी नहीं है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गियर तो ठीक है, उनमें कोई शिकायत नहीं है। और क्लच आपने कहा अड़ती या नहीं अड़ता नहीं, या तो भाई ऐसा हो सकता है कि आपको मैट फ्लोरिंग करवा ली ना, शायद हाँ। दिक्कत आती, या तो आपके पैर जो हैं मैट में अटकते हैं। हाँ, राइट, स्टीयरिंग देखो वापस, मेरी वाली कैसे थोड़ा सा जल्दी और वापस आता है, जबकि छोटी गाड़ी का थोड़ा और जल्दी आना चाहिए। वैसे ठीक है, मतलब मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं वैसे डिफरेंस बता रहा हूँ बस। बाकी मुझे तो भाई हेडरूम, लेग रूम इन सब की कोई कमी महसूस नहीं हो रही। NVH लेवल का मैंने बता दिया, थोड़ी सी साउंड है अंदर, और रोड नॉइज़ नहीं है, ये कैबिन नॉइज़ है। दो तरीके की होती है, या तो भाई आपके में टायर की आ रही है या फिर इंजन की आ रही है। तो ये इंजन की है, टायर की इतनी नहीं है। बाकी कैमरा, रिवर्स कैमरा की आपको कमी महसूस नहीं होती गाड़ी में? ना बिल्कुल होती है, बहुत ज्यादा होती है। होती है? हाँ। सोचा लगवाने की? ना सोचा नहीं, फिलहाल अभी कुछ नहीं सोचा, बाकी तो एक दो महीने बाद देखूंगा। सस्पेंशन आपको ठीक लगता है गड्ढों में? हाँ बिल्कुल। मैक्सिमम कितनी भगाई है? मैंने भाई ये चला रखी शायद 140-150 तक लास्ट। कंपन वाइब्रेशन कुछ भी? कुछ भी नहीं है। हार्ड ब्रेकिंग कभी खींच के ब्रेक मारे? ना कभी नहीं, कभी नहीं मारे। तो देखो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मेन चीज़ें क्या होती हैं, एक्सेलेटर ब्रेक क्लच कैसे हैं। एक्सेलेटर ठीक है, कोई वाइब्रेशन ऐसा कंपन कोई मुझे फील नहीं हुआ। ब्रेक एक बार हल्के से वहाँ मैं मुझे नहीं, पीछे नहीं मारूंगा, पीछे गाड़ी है, ब्रेक नहीं मारूंगा मैं तो। बाकी लेकिन जितना लगा पा रहा हूँ इतना इसके ढंग के ब्रेक नहीं मिलेंगे शायद। तो जो बलिनो ओनर्स हैं, कमेंट डाउन कि आपको ब्रेक कैसे लगते हैं बलिनो के। और बाकी क्लच ठीक है, ये जैसे कह रहे थे अटकती है ऐसा कुछ नहीं है। स्टीयरिंग ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, एक्यूरेट है। तो विवेक, आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मैंने खुद पहली बार बलेनो चलाई, इसी बहाने मेरा भी हो गया कि हाँ मैंने बलेनो चला रखी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला, जो भी अपने पॉजिटिव नेगेटिव थे। कोई हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी लोग बलेनो के बारे में जानते हो, राइट? तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। और आपके जो व्यूज़ थे बलेनो को लेके, अपार्ट फ्रॉम बिल्ड क्वालिटी, दैट इज़ वेल नोन कि हाँ बिल्ड क्वालिटी कैसी है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके व्यूज़ हैं देन कमेंट डाउन। एंड थैंक्स टू विवेक अगेन। सो दिस वीडियो इज एंडेड हियर, एंड लेट मी नो योर व्यूज़ ऑन दिस कार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।